नरसिंहगढ़ बालिका छात्रावास में सीमेंट फैक्ट्री द्वारा बालिकाओं को संगीत की शिक्षा दिलाने की अभिनव पहल की है, जिसमें छात्राओं को हारमोनियम, तबला आदि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही दो संगीत शिक्षक की भी नियुक्ति की गई है, जिसे वेतन भी सीमेंट फैक्ट्री द्वारा दिया जाएगा। काफ़ी कुछ गिफ्ट किया गया, जैसे सबसे पहले उन्होंने बाउंड्री वॉल बनवाई, उसके बाद झूले वगैरह लगवाए, किचन गार्डन की भी व्यवस्था की गई और उन्होंने सोलर पैनल भी लगवाया है जिससे यहाँ दिन भर लाइट रहती है। तो अभी उन्होंने दो इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, एक उन्होंने हारमोनियम दिया और एक तबला दिया है और साथ में दो टीचर उन्होंने लगाए हैं। तो ये अच्छा लगता है कि यहाँ पे कुछ कंपनी के द्वारा हो रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो सिर्फ नरसिंहगढ़ हॉस्टल के लिए नहीं बल्कि वो ज़िले के लिए भी कुछ करेंगे और दूसरे हॉस्टल्स में जहाँ बाउंड्री नहीं है कम से कम वहाँ बाउंड्री बनवा देंगे, जिससे हमारे सारे हॉस्टल्स में बाउंड्री हो जाए। हाँ बोल। माई सीमेंट फैक्ट्री से HOD आए थे गुप्ता जी, उन्होंने हम लोगों के यहाँ संगीत शिक्षा की व्यवस्था की है और इंस्ट्रूमेंट प्रदान किए हैं बच्चों को संगीत सिखाने के लिए, दो टीचर दिए हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और चाहते हैं आगे भी ऐसा ही सहयोग हम लोगों का करते रहें। हमारे लिए मैसम सीमेंट फैक्ट्री से सबसे पहले बाउंड्री की व्यवस्था, फिर झूले की व्यवस्था, फिर लाइब्रेरी की व्यवस्था और सोलर सिस्टम की व्यवस्था, अब संगीत शिक्षक की व्यवस्था हो रही, इससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और बहुत खुश हैं। बहुत खुश रहते हैं हम लोग, इस बाउंड्री की व्यवस्था से हम लोग बहुत खेलते हैं, अच्छे से रहते हैं। उन्होंने बताया कि गरीब बच्चों के लिए संगीत सीखने का यही सही समय है। इस मौके पर जिला परियोजना सहायक प्रतिभा ताम्रकार, यूनिट हेड संजीव गुप्ता, HR निर्देशक कौशिक वार्डन, सुमन पाराशर, जुलेखा खान पाराशर संगीत टीचर, तिवारी जी ज्ञानोदय विद्या मंदिर एवं उनके शिष्य मौजूद थे। नरसिंहगढ़ से संतोष मोदी की रिपोर्ट SCN News India।